हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इन हिंदी एंड इंग्लिश में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश राइटर जर्नलिस्ट नीरज सिंह चौधरी के बारे में। नीरज सिंह चौधरी का जन्म है वो 23 नवंबर 1897 को हुआ था और इनकी मृत्यु 31 जुलाई को 1999 में हुई। सो फ्रेंड्स, इनकी लाइफ और पर्सनैलिटी के बारे में देख लेते हैं। नीरज सिंह चौधरी वाज बोर्न एट किशोरगंज इन ईस्ट बंगाल नाउ इन बांग्लादेश ऑन 23 नवंबर 1897। नीरज सिंह चौधरी का जो जन्म है वो किशोरगंज में ईस्ट बंगाल में हुआ, जो कि अभी बांग्लादेश है। बांग्लादेश बनने से पहले बंगाल एक था, जो कि ईस्ट का हिस्सा है वो बांग्लादेश बन गया, और वेस्ट है वो अभी इंडिया में है। तो इनका जो जन्म है वो किशोरगंज में हुआ था, जो कि ईस्ट बंगाल में था उस टाइम, और अभी वो वर्तमान में बांग्लादेश है। किशोरगंज में इनका जन्म 23 नवंबर 1897 को हुआ था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन किशोरगंज। उन्होंने नीरज सिंह चौधरी ने अपना जो बचपन है, चाइल्डहुड है, जो बचपन है वो किशोरगंज में बिताया। हिज फादर उपेंद्र नारायण चौधरी वाज एन आर्डेंट एक्सपोनेंट ऑफ द बंगाली ह्यूमनिज्म ऑफ द 19th century। नीरज सिंह चौधरी के जो पिता हैं, उपेंद्र नारायण उनका नाम था, उपेंद्र नारायण चौधरी, वो एक काफ़ी दक्ष उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि थे बंगाली ह्यूमनिज्म के 19वीं शताब्दी में। ही कास्ट एन इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन नीरज सिंह चौधरी ड्यूरिंग हिज फॉर्मेटिव ईयर्स। उन्होंने जो नीरज सिंह चौधरी है, इनके ऊपर एक अमिट इंडेलिबल, अमिट पक्की यानी नहीं मिटने वाली, अमिट छाप छोड़ी या प्रभाव पड़ा नीरज सिंह चौधरी के ऊपर, जब उनके शुरुआती साल थे, बचपन के जो टाइम था, फॉर्मेटिव ईयर्स, जो बचपन का जो शुरुआती साल थे उस समय। हिज मदर सुशीला सुंदरी, यानी उनके जो माता का नाम था वो था सुशीला सुंदरी। सुशीला सुंदरी वाज ए लेडी ऑफ हाई मॉरल्स। नीरज सिंह चौधरी है, इनके माताजी का नाम था सुशीला सुंदरी, और वो एक उच्च नेतृत्व वाली, अच्छे विचारों वाली महिला थी। शी टॉट नीरज द सिग्निफिकेंस ऑफ गुड मैनर्स इन लाइफ। यानी सुंदरी, सुशीला सुंदरी इनके माताजी है, इन्होंने नीरज सिंह चौधरी को गुड मैनर्स यानी अच्छे नैतिक गुणों का सिग्निफिकेंस, जो महत्व होता है लाइफ में, उसके बारे में बताया। उन्होंने अपने बेटे को, नीरज सिंह चौधरी को, अच्छे गुणों के बारे में, लाइफ में उनका क्या महत्व है, इसके बारे में बचपन में उनको सिखाया था या बताया था। अप टू द एज ऑफ 12 चौधरी केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन रेनेसेंस। यानी 12, लगभग 12 साल की एज के बाद चौधरी है वो भारतीय पुनर्जागरण के प्रभाव में आए, इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन रेनेसेंस, यानी भारतीय पुनर्जागरण के प्रभाव में वो आए, यानी इनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा भारतीय पुनर्जागरण का, इंडियन रेनेसेंस का। इन 1910 हिज फैमिली शिफ्टेड टू कलकत्ता एंड लिव्ड देयर अप टू मार्च 1942। 1910 में इनकी जो फैमिली है वो शिफ्ट हो गई कलकत्ता, और वहीं रहने लग गई। वहाँ पर वो मार्च 1942 तक रही थी, यानी उनका जो परिवार है वो 1942 तक वहीं कलकत्ता में रहा था। हिज स्टे इन कलकत्ता हेल्प्ड हिम टू डेवलप हिज इंटेलेक्चुअल फैकल्टी। यानी उनका जो कलकत्ता में रुकना है वो इनके लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ, हेल्प्ड हिम, उनको सहायता मिली इसकी, डेवलप हिज इंटेलेक्चुअल फैकल्टी, अपने व्यक्तिगत गुणों को, अपने आप को
विकासशील या मतलब अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने व्यक्तिगत गुणों को और अपने चरित्र को उच्च बनाने के लिए काफ़ी मदद मिली कलकत्ता में इनका रुकना। इस वजह से द पीरियड फ्रॉम 1921 टू 1937 वॉज ए टेस्टिंग टाइम फॉर हिम एज ही सफर्ड डिस्क्रिबल पॉवर्टी वांट एंड ह्यूमिलिटेशन। यानी जो 1921 से 1937 का जो टाइम था वो इनको निखार लाने में, इनको काफ़ी उत्कृष्ट बनाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ, और ये वहाँ पर गरीबी से भी जूझे और काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने। इन मार्च 1942 चौधरी माइग्रेटेड टू दिल्ली टू परस्यू हिज एम्बिशन एज ए राइटर एंड जर्नलिस्ट। और मार्च 1942 में चौधरी है वो कोलकाता से वो है दिल्ली की ओर रवाना हो गया, यानी अपने दिल्ली माइग्रेटेड हो गया, वहाँ से दिल्ली आ गए ये। परस्यू हिज एम्बिशंस, और अपने पीछा करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, परस्यू हिज एम्बिशंस यानी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, या उनको उनका पीछा करते हुए एज ए राइटर और जर्नलिस्ट, राइटर और जर्नलिस्ट बनने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये दिल्ली आ गए। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड वेरियस एसेज एंड आर्टिकल्स ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स टू न्यूमरस मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। और उन्होंने बहुत सी ऐसे में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना योगदान दिया, बहुत सारे वेरिएशन, कई प्रकार के ऐसे और आर्टिकल्स लिखे उन्होंने। ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट यानी विभिन्न प्रकार के जो शीर्षक थे या जो विषय थे, इनके ऊपर इन्होंने काफ़ी गहराई से न्यूमेरियस मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, बहुत सारे मैगजीन्स और जो न्यूज़पेपर आते हैं इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के जो छपती है, उस उन प्रकार के जो सारी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में इन्होंने बहुत सी विभिन्न प्रकार के जो शीर्षक है उनके ऊपर इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स और ऐसे लिखे, काफ़ी योगदान दिया इन्होंने बहुत सारी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में। ही बिकेम पॉपुलर विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज फर्स्ट बुक। और ही बिकेम यानी वो हो गए पॉपुलर, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज फर्स्ट बुक। अपनी पहली किताब से वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे, इन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त कर ली थी हिज फर्स्ट बुक, अपनी पहली किताब से, जिसका नाम था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, यानी जो अपरिचित या अनजाना भारतीय, उसकी आत्मकथा। इस नाम से इनकी जो पहली बुक आई थी, इन्होंने इनको काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई थी, जो कि 1951 में आई थी। इन 1955 ही पेड ए शॉर्ट विजिट टू इंग्लैंड। और 1955 में इन्होंने एक शॉर्ट विजिट टू इंग्लैंड यानी थोड़े समय के लिए ये एक इंग्लैंड भी गए थे 1955 में, 1955 में। ही वॉज अवार्डेड द डफ कूपर मेमोरियल प्राइज फॉर हिज बुक द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्स। और इनको जो डफ कूपर मेमोरियल प्राइज मिला, इनकी किताब थी जिसका नाम था द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्स। चौधरी रिमेंड इंटेलेक्चुअल अलर्ट इवन एट द एज ऑफ 100 ईयर्स। चौधरी रिमेंड इंटेलेक्चुअल अलर्ट इवन एट द एज ऑफ 100 ईयर्स, यानी लगभग ये 100 सालों तक ये रहे थे। इनका जो काफ़ी है वो योगदान रहा था, काफ़ी ये सक्रिय भी रहे थे। हिज लास्ट वर्क्स और उनका जो अंतिम काम था द हॉर्समैन ऑफ द न्यू एपोकलिप्स अपीयर्ड इन 1998, यानी इनको जो लास्ट काम था, हिज लास्ट वर्क्स द हॉर्समैन ऑफ द न्यू एपोकलिप्स अपीयर्ड इन 1998, 1998 में इनका जो अंतिम काम जो था वो प्रकट हुआ था या सामने आया था, जिसका नाम था द हॉर्समैन ऑफ द न्यू एपोकलिप्स। ही पास्ड अवे ऑन जुलाई 31, 1999 एट द राइप ओल्ड एज ऑफ 102 ईयर्स, और 102 साल की उम्र में, ओल्ड एज में ये
31 जुलाई 1999 को इनकी मृत्यु हो गई। सो फ्रेंड्स, ये था नीरज सिंह चौधरी के बारे में छोटा सा इनका परिचय। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। थैंक यू वेरी मच।